दोस्तों आपको तो मालूम ही होगा कि अभी हाल ही में अक्षय कुमार ने गुटखा कंपनी का एक प्रचार किया जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपए छाप लिए। उसके बाद जब लोगों को ये पसंद नहीं आया कि अक्षय कुमार जैसा आदमी भी गुटखा का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, अजय देवगन, उसके बाद शाहरुख खान, उसके बाद अमिताभ बच्चन ने गुटखा का प्रचार किया, उसके बाद अमिताभ बच्चन ने भी सबसे माफ़ी मांगा कि ये मेरे से गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा वैसा करके बहुत माफ़ी मांगा। उसके बाद जो शाहरुख खान है जिसने बैजूस का प्रमोट करता है, एजुकेशन, जो एजुकेशन के लिए जो वेबसाइट है, जो एप्लीकेशंस है, उसको प्रमोट करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो भी गुटखा का प्रचार कर रहा है, तो लोग उसे बहुत नाखुश हुए, बहुत मतलब उसे हेट मिलने लगा। तो उसने भी अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए मतलब मना किया कि मतलब अब मैं नहीं करूँगा आगे से। उसके बाद ये सब देखते हुए भी उसके बावजूद अक्षय कुमार ने इसमें अपना हाथ डाल दिया अपना। कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात उसकी नहीं है। आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, कहां गया, स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। ले लिया, उसको नहीं करना चाहिए था। सब उसको सोचते थे, सब सोचते थे कि ये फिट इंडिया को लेकर कुछ करेगा, बहुत 4 बजे उठता है, ऐसा बोलता है, 4 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठता हूँ डेली, सुबह सूरज देखता हूँ मैं, ऐसा कोई एक दिन भी ना हुआ हो जिसमें मैंने उगता सूरज ना देखा हो। ये सब दोगलापन है, झूठ बोलता है, ऐसा कुछ है नहीं। सब दिख जाता है जब पैसे की बात आती है, इनको करोड़ों रुपये, 50 करोड़, 60 करोड़ इनको आसानी से मिल जाता है गुटखा कंपनी से। जबकि साउथ के एक्टर को एक साइड देखा जाए तो जैसे अल्लू अर्जुन है, उसको भी ऑफर हुआ था, अल्लू अर्जुन सर को भी ऑफर हुआ था, 6 करोड़ से 8 करोड़ कुछ अप्रॉक्स ऑफर हुआ था एडवर्टाइजमेंट के लिए, मतलब एक गुटखा कंपनी के लिए, लेकिन उन्होंने साफ ही साफ मना कर दिया कि मुझे ये सब नहीं करना, उनको अपने फैंस के लिए चिंता था। तो आप देख सकते हैं कि आपको किनको फॉलो करना है, इनको नहीं करना है। आई होप कि आप भी गुटखा ना खाते हों और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये जो अक्षय कुमार है, पहले क्या बोलता था कि प्रोटीन के लिए मैं बहुत खिलाफ हूँ, ये लोग क्या लेते रहते हैं प्रोटीन के नाम पे, ये खाते हैं वो खाते हैं पाउडर वगैरह। और उसके बाद जब उसके खुद ऑफ़र आया, उसको कंपनी ने अप्रोच किया कि कंपनी ने उसे ऑफ़र दिया गुटखा कंपनी ने, तो ये गुटखा के लिए बोल गया, प्रोटीन उन्होंने एडवर्टाइज़ किया हुआ है कि ये हॉर्लिक्स खाओ, इसमें प्रोटीन है, ये वो। तो ये सब दोगला बन करके वो बहुत ही पैसा छाप रहे हैं। और आपको पता है आपको हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए। आई होप कि आप लोग भी गुटखा ना खाते हो। और अक्षय कुमार ने जब अभी गुटखा कंपनी को प्रमोट किया, उसके बाद जब फैंस का गुस्सा देखा, लोगों का गुस्सा देखा, आम जनता का हेट मिलने लगा, तो उन्होंने एक ढोंग कर दिया और अपने ट्वीट कर दिया कि मैं जब तक ये ऐड चल रहा है उसके बाद मैं नहीं करूँगा, ये मेरा टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा ऐसा था। तो सब झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, पैसा कमाना था, पैसा कमा लिया, अब कौन जान रहा है उस पैसे को ये वापस कर रहा है या डोनेट कर रहा है, बोलने के लिए है सब, पैसा तो अंदर सब चले गया, अब आम आदमी को तो पता चलने वाला है नहीं कि क्या होता है पैसे का, तो बोलने के लिए है बस। और ये बाकी 2-4 दिन के बाद लोग भूल जाते हैं इसलिए ऐसा कर लेते हैं, तो भूलना नहीं है इनको, बायकॉट ही करना है बॉलीवुड को। लोगों के पास शेयर करें इस वीडियो को और गुटखा खाने से बचें। धन्यवाद। अपने सेहत का ख्याल रखें, हेल्दी चीज़ खाएं।